हेलो गाइस सो मेरा नाम है अखिल और ओमेशल का नाम है स्मार्टफोन है आशीर्वेद में टाइटल गए सी एड वाइट सैन पॉइंट थ्री बेस्ड ऑन एनो ओ इलेवन जो आपका लेटेस्ट अपडेट है विद आपका एन ऑफ सी थर्टी फिफ्थ टू जीरो टू वन इसी बिल की रिव्यू वीडियो होगी सो गाइस लेट स्टार्ट द वीडियो सबसे पहले आप और स्टार्ट कर लेते हैं सो यहाँ पे आपका ऑबली आई इन डिवाइस शॉट एनोशन यहाँ पे आपको वही सेम एनो ओर इलेवन हाँ जो सी एड आपका जो अभी लेटेस्ट अपडेट से, सेवन पॉइंट थ्री का एन बिल्कुल तो लेटेस्ट फिफ्थ फरवरी का टू जीरो टू वन और जो करंट वर्जन है ये भी आप, आपका अप स्ट्रीम हुआ है सो so, बट इसमें आपका फोर पॉइंट नाइन टू आई मीन फोर पॉइंट नाइन टू टू सेवन है पर प्लस का और बिल डेट बिल नंबर रख सकते हैं सारी चीज़ें होगी ज़्यादा कैसे मैं डीप में नहीं ले जाऊँगा कॉस्ट मैंने पहले से भाई पूरी एक्सप्लेन कर रखी है वीडियो क्योंकि मैंने सेवन पॉइंट टू का जब रिव्यू दिया था तो जो भी इसके मेन मेन फीचर्स है सारे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए थे तो अगर आपको देखना है वो भी आप आई मीन चेक कर सकते हो सो सुशील भाई हम स्टार्ट करते हैं स्टेट बार से यहाँ पे तो कोई आपको बताइए ये बिल्ड बहुत स्टेबल बिल्ड है अगर हम कोई भी अभी तक एंड्रेड इलेवन की बात करें तो उसमें से बहुत स्टेबल बिल्ड है आ, जैसे सी एर डॉ हो गया शेप शिफ्ट हो गया ये दो तीन रोम्स एक तरह से कहते तो हैं स्टेबल है हाँ मानता हूँ इनमें भी आपको फ्रीज इशू आएंगे जैसे अगर आप एक एक दिन में अप्रोक्स एक से एक से दो बार आपको फ्रीज इशू फेस होंगे कभी कभार वो भी नहीं होंगे बट माइनर फ्रीज माइनर फ्रीज इशू आपको फेस होंगे तो वैसे अगर मेजर वर्क की बात करें वो तो आपको कोई नहीं है वाईफाई ब्लूटूथ डीएनडी टॉर्च ऑड रोटेशन सब कुछ यहाँ पे इसमें आपका वर्किंग है और स्क्रीन कास्ट स्क्रीन रिकॉर्डर ये मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कॉज अगर आपको स्क्रीन रिकॉर्डर यूज करना ही है तो स्क्रीन रिकॉर्डर आप यूज़ करो स्क्रीन रिकॉर्डर नोवर्स वाला बहुत ज़्यादा ठीक रहेगा उसके बाद डार्क थीम लाइट नाइट लाइट एमबिन डिस्प्ले ए ओ डी है तो सारी चीज़ें इधर आपकी वर्किंग है हाँ ए ओ डी में थोड़ा चेंज हुआ है क्योंकि आपका जो ए डी है वो आपका सी एडोइ डोज में आप इंप्लीमेंट हो चुका है तो वो भी चलो अगर हम चेंज लॉक की बात करें और वॉल्यूम पैनल यूज भी थ्रेटिंग अब गैस हम बात कर लेते हैं मेन जो हमारा गीकबेंच फाइव है सो so, ये रहा आपका गीतमज फाइव सिंगल स्कोर इसमें गाइज आपको मिल जाता है वन सिक्सटी एट जो आपका सिंगल स्कोर है और अगर मल्टी स्कोर की बात करें वो वो उसमें आपको मिल जाता है नाइन फाइव फाइव जो आपका विद आपका जो प्रफ प्लस है और अब हम बात कर लेते हैं जो हमारी सी बी टोटलिंग है सी बी टोटल नाइन्टी परसेंट ऑफ इट्स मैक्स परफॉर्मेंस जो आपकी एवरेज जी आई पी एस है वो गाइज आपकी एटी फाइव थाउजेंड की है मैक्सिमम आपका नाइन थाउजेंड है तो वही यहाँ नाइन्टी टू नाइन्टी वन परसेंट आपका सी पी टोटल हुआ है जो उसकी मैक्स परफॉर्मेंस है सो so, इमें सब कुछ यहाँ पे आपका डन हो गया अब वैसे हम बात कर लेते हैं आई मीन जो मेस्क के ऑब्वियस यहाँ पे सीरो फाइल ट्रू है बैंकिंग ऐप्स चल रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका मेन जो बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई योनो आई मीन जो एस बी ऐप है वो वर्किंग है नहीं भाई वर्किंग है बट आपको मैज हाइड मैनेजर को रीनेम करना पड़ेगा जब जाके वर्किंग होगा और जो आपको गूगल पे सर्विस है उसको भी आपको हाइड करना होगा मैं आपको बता दिखा देता हूँ ये रहा भाई मैज सो एक बार हम चल लेते हैं हाँ ये आपका हाइड पहले तो मैं आपको समझाता हूँ यूनो एस बी वो तो उसको आपको हाइड करना है जो मेन मैं आपको समझा रहा हूँ गूगल पे सर्विस है इसको भी यहाँ पे आपको हाइड करना पड़ेगा और जो यूनो एस बी एप है उसको भी आपको हाइड करना पड़ेगा फिर आपको भाई ऑब्वियसली सेटिंग में जाकर जो आपका मैज हाइड मैनेजर है इसको इधर आपको रिजिस्टोर करना पड़ेगा कुछ भी आप वहाँ पे रीनेम कर सकते हो नेम सैन कुछ भी आप लिख सकते हो वहाँ पर और जो आपका मैज हाइड मैच हाइड है उसको भी यहाँ पे आपको इनेबल करना पड़ेगा और हम देख लेते हैं जो हमारे सेक्ट सेफ आई मीन चेक सेफ्टी नेट है इधर वो आपका ट्रू है जो आपकी बेसिक नेट है वो वो भी इधर आपकी ट्रू है सीरो फाइल भी यहाँ पर आपकी चुका तो इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर हम बैंक ऐप्स की बात करें तो कोई दिक्कत नहीं है जी पे पेटीएम जो मेन मेन है वो यहाँ पे आपके सक्सेसफुली वर्किंग है सो अब सेटिंग्स में चल लेते हैं मेन उससे पहले चेंज लॉक की बात कर लेते हैं हाँ यहाँ पे इसमें थोड़े जो आपके इंक्रिप्शन के इशूज थे वो इसमें फिक्स हो चुके हैं जो ये वाला बिल्डर सेवन पॉइंट थ्री का जिनको थोड़े बहुत लिटिल बिट इंक्रिप्शन के इशूज आए थे वो इसमें आपका फिक्स हो चुका है दूसरा यहाँ पे एक और फीचर ऐड हुआ है आपका जो आई मीन ए है वो इधर आपका ऐड हुआ है इन आपका और करण ऑफ स्ट्रीम हुआ छोटे माइनर छोटे से चेंजेस है नेटव इंटरनेट कोई प्रॉब्लम नहीं कनेक्टेड डिवाइस एप्स नोटिफिकेशन बैटरी बैटरी ओवरऑल ठीक है वो भी उस पर भी आऊंगा मैं कितना एक्टिव डेन है सब कुछ और टा आई मीन बैटरी मैनेजर इस पर तो हम पहली सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं यार डिस्प्ले चल लेते हैं यहाँ पे आपका नाइट लाइट डाकती है सारा इधर वर्किंग है आपका लाइव डिस्प्ले भी इसमें आपको मिलता है क्योंकि सी है एक अगर हम टर्म्स ऑफ कस्टमेशन की बात करें तो आपको वो ओपी लेवल की मिलेगी बिकॉज यार सी में एक ही ज़्यादा अच्छी चीज दिख एक ही सबसे अच्छी चीज़ दिखती है वो है इसकी कस्टमेशन तो उसके लिए तो भाई आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं दिखेगी और oh, स्टेबल है यार मैं अभी तक ये बात तो बहुत मतलब रियलिटी है कि अगर हम कोई भी अगर मियन की रोम उठाए ना मैं ये बात कर रहा हूँ बेस्ड ऑन एनर इलेवन की तो जो अभी तक भाई इसे अभी तक सबसे स्टेबल लगी है जैसे आपका शेफी हो गया सी एड हो गया ये दो तीन रोम्स लगी है हाँ मानता हूँ उनमें भी आपको लिटिल बिट आपको फ्रीजिंग इशू दिखेंगे कॉज एक तो आई मीन जो आपका ये मी एन का प्रोसेसर है सिक्स ट्वेंटी फाइव उसकी वजह से भी बहुत इसमें इश्यूज हैं तो फ्रीजिंग इशू का तो भी आपको एक ही फिक्स है आपको बूट एम जी फ्लैश करनी पड़ेगी उसका भी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा लिटिल बिट उससे थोड़ा फिक्स होगा ज्यादा कोई मेजर फिक्स नहीं होगा बट हाँ वो आपको फ्लैश करना पड़ेगा मतलब दोबारा आपको कर्नल फ्लैश आई मीन कर्नल फ्लैश करना पड़ेगा वही बूट एम जी सेम ही है सो लॉक्सिन टाइप टू कि इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है सब कुछ इधर आपका वर्किंग है इसमें साउंड में चल चलते डॉलबी एटम आई मीन डॉलबी और वाइपर फ्रंट इसमें इंस्टॉल कर सकते हो कोई आपको दिक्कत नहीं मिस और आंसर आपको मिल ही जाता है स्टोरेज प्राइवेसी लोकेशन जब फेस अनलॉक मिलता है तो सब कुछ मैं पहले से ही सेवन पॉइंट टू के रिवीडियो में आपको बता चूँगा फिंग प्रिंट फेस अनलॉक इसमें आपको मिलता है कोई दिक्कत नहीं है अकाउंट एक्सेसिबिलिटी सीआर डोर सेटिंग्स जो भी कस्टमाइजेशन करनी है पे आप कस्टमाइज कर सकते हो तो बहुत कस्टमाइजेशन मिलेगी आपको यार कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें अगर हम कस्टमाइजेशन की बात करें सो डिजिटल डिजिटलिंग गूगल सिस्टम में यहाँ पे आपका सिस्टम प्रोफाइल्स कैशर्स कोई मॉडल फ्लैश करने की रिक्वायर नहीं अगर आपको जो एच डब्ल्यू कीजर्स को डिसेबल इनेबल करना है तो कोई आपको उसमें प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी और म्यूजिक एम्बे टिकट भी इसमें आपको मिल जाता है तो अच्छे फीचर्स हैं और ऑफिशियल बिल्ड है तो ऑब्वियसली आपको ओटी अपडेट की भी इसमें सर्विस मिलेगी तो अच्छी बात है और नीचे आपका मल्टीपल सेक्टर सही चीज़ होगी अब मेन मेन गाइस हम बात कर लेते हैं जो हमारा बैटरी बैकअप और यार परफॉर्मेंस कैसी है विद आपका प्रॉफप्लस एक्टिडेंट की गाइस बात करें तो भाई सोलह सत्तर परसेंट का इसमें आपको एक्टिडेंट दिखेगा लिटिल बिट बैटरी कम है एज कंपेयर टू अगर हम सेवन पॉइंट टू की बात करें लिटिल बिट थोड़ी तो यार एक तरह से मैं पुअर नहीं बिट ये कह सकते हैं कि लिटिल बिट लेस है जो हमारा बैटरी बैकअप है एज कम्पेयर टू तो जो हमारा प्रीवियस बिल्ड था सैन पॉइंट टू का हाँ वैसे उसमें अराउंड आपका फोर्टीन टू फिफ्टीन परसेंट का एक्टिव डेन था इसमें आपका सोलह से सत्रह से टू सेवेंटीन परसेंट का आपका एक्टिव डेन है और वाइल अगर हम गेमिंग की बात करें उधर आपका एक्टिव डेन चला जाता है अराउंड थर्टी सेवन टू थर्टी नाइन परसेंट सैंतीस से आई मीन थर्टी सेवन टू थर्टी नाइन परसेंट का आपका एक्टिव डेन होगा वाइल गेमिंग सी ओ डी की बात कर रहा हूँ और जो आपका मैक्सिमम टेम्परेचर होगा वो होगा अराउंड फोटी सिक्स टू फोर्टी सेवन तो वो भी आप सेल्सियस कह सकते हो आप ठीक है फोटी सिक्स सेवन ठीक है बट हाँ ज्यादा है और उससे जो आपका एक्टिडन है परफॉर्म परफॉर्मेंस वैसे एक तरह से, से कह सकते हो तो मैं डिस ना मैंने दोबारा गेम बाद रिपीट कर रहा हूं सी डॉट के साथ यार अगर आपको ए लेवन चूज करनी है मतलब ए लेवन आपको फ्लैश करनी है अपने मी पे तो सी आई या डॉट यार आपके लिए एक तरह से आप कह सकता हो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा अगर आपको कोई स्पेसिफिक एंडोलेवन की रूम फ्लैश करनी है ऑन योर मी एन हाँ एक्टिडन ज्यादा है बट यार वो भी चीज़ देखो हर चीज़ डिपेंड करती है अगर बैटरी को हम बात करें कि आपकी करंट बैटरी कैपेसिटी कितनी है और आपकी यूसेज उस पर तो भाई सब कुछ डिपेंड होता है मेन उस पर डिपेंड होता है जो मेरी यूसेज है जब ये सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट बता रहा है आपकी यूसेज अलग हो आपकी यूसेज के हिसाब से बीस से इक्कीस परसेंट बताए सब कुछ एक आपकी बैटरी कैपेसिटी दूसरा आपका होगा कि आपकी यूसेज कितनी कितना व्हाट्सएप यूट्यूब कितना मतलब हैवी टास्क या नॉर्मल टास्क आप यूज़ करते हो उस चीज़ पर भी बहुत ही सारी आई मीन चीज़ें डिपेंड करती है जैसे मेरा सोलह से सत्रह सौपय जाने कास्ट व्हाट्सएप यूट्यूब टेलीग्राम ये मेरा आई मीन लाइट यूज हो जाएगा ऐसा मैं कह सकता हूँ हैवी नहीं है और प्लस हंड्रेड बिट गेमिंग होगी क्योंकि वो तो मैंने आपको करना पड़ेगा कि रिव्यू है तो उस हिसाब से देखा जाए गेमिंग के लिए तो भी मैंने आपको अलग सेसोविटी बताई क्योंकि भाई गेमिंग है यार तीन हज़ार अस्सी एम एच की बैटरी है ज़्यादा नहीं है इफिशियट नहीं है इवन चार हज़ार की भी अगर हम अभी के हिसाब से देखें तो वो भी इफिशियंट नहीं है कम से कम भाई आपको फाइव थाउजेंड टू सिक्स थाउजेंड की एम एच बैटरी होनी चाहिए अगर आप गेमिंग के लिए कोई फ़ोन चूज़ कर रहे हो बट स्टिल भाई वही बात है और अगर मैं गेमिंग का सब कुछ बता दिया है हाल सी ओ डी में यार पबजी में बहुत डिफरेंस है अगर हम इन टर्म्स ऑफ ग्राफिक्स की बात करें तो उधर तो आपको कोई एफ एस डॉप की ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम आएगी नहीं स्मूथ एक्सपीरियंस होगा आपको अगर मैं सी ओ डी की बात करूँ पबजी की बात नहीं कर तो सी ओ डी आप यार आई मीन सॉरी सी या डॉ डॉप ऑप्ट कर सकते हो अगर आपको कोई ए इलेवन की रोम चाहिए अगर आप ढूंढ रहे हो फॉर योर बी अच्छी रोम है या तो कंक्लूजन नहीं मैं रेकमेंड करता हूँ यार यूज़ करो इससे शेप शिफ्ट हो गई या आपकी शेफ शिफ्ट की तो स्टेबिलिटी बहुत बढ़िया लगी है मुझे सी एर रोड की भी ठीक है स्टेबिलिटी बट मेन ये कि इसमें यार आपको अच्छे खासे कस्टमेशन देखने को मिलेंगे जो ए भाई जो जैसे अगर आपको रिक्वायर्ड है अगर आपको फोन को अगर कस्टमाइज़ करना आपको अच्छा लगता है तो वो कस्टमेजन आपको ठीक लेंगे और बैटरी भी डिसेंट परफॉर्मेंस भी आप एक तरह से कह सकते हो ओके एवरेज मैं आपको कहूँगा ठीक है और बैट चल का इससे छोटी सी वीडियो थे वीडियो में वीडियो को लाइक करना देना चैनल को और हाँ मैं रिकमेंड करता हूँ यार कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अच्छा बिल्ड है और बस फ्रीजिंग इशू अगर हो जाए जैसे टेलीग्राम के हो गए व्हाट्सएप के हो गए ये फिक्स हो जाए तो और अच्छा आपको इसमें आई I मीन mean, इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी हाँ जैसे टी का आपका टेलीग्राम का जैसे फ्रीजिंग इशू है और लिटिल बिट आपका व्हाट्सएप का भी ये आएंगे आपको एक दिन में जैसे एक से दो बार ही होगी कभी कबार आपको नहीं फेस होंगे बट एक दो बार्टी तो आप मान के चलो बट मेजर नहीं है ये कोई आपको प्रॉब्लम नहीं देंगे माइनर फ्रीजिंग इशू है तो वो अगर फिक्स हो जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा सो गाइस इंस्टॉल दिस ऑन एंड मी इंस्टॉलेशन वीडियो एनफॉल बी आल्सो इन दैट नेक्स्ट वीडियो में बाय जय वंदे मातरम